अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात आप करें महिलाओं के खिलाफ अपराध, वो भी बलात्कार जैसे संगीन अपराध, वेस्ट बंगाल का नाम उसमें नहीं है क्या? बप्पा चटर्जी, इसका क्रेडिट आप नहीं देना चाहेंगे विजय मिश्रा जी को? बंगाल सेंट्रल का कोई भी एनालिसिस का रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट सेंट्रल में सबमिट नहीं किया है पिछले 10 सालों से, 7-8 सालों से उन्होंने कोई रिपोर्ट सेंट्रल का कोई भी टीम के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, तो वो बंगाल का नाम आएगा कहाँ से? बंगाल में आज भी, कल के रात के दिन भी देखिए, ममता दीदी नंदीग्राम में रह रही है, वहां से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस में एक महिला का धर्षण हुआ है, वो भी तृणमूल के गुंडे लोग किए है, वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता के वाइफ के साथ धर्षण नहीं, लेकिन हुआ ये, है। ये महत्वपूर्ण मसला है, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसा संगीन मामला, क्या इससे ये साबित होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मुद्दा एक ही जैसा है? क्या इससे ये साबित होता है कि जनता भी जब वोट देने जाती है तो उसके दिमाग में ईवीएम की बटन दबाते समय महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा नहीं रहता? अवनिजेश जी, एक सवाल अवनिजेश जी से। दिनेश जी, मैं बिल्कुल निष्पक्ष वजह से कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी शासित किसी प्रदेश में इस तरीके की घटना होती तो उसकी भी वैसी ही निंदा होनी चाहिए और प्रशासन को वैसा ही कदम उठाना चाहिए। लेकिन शुद्धो बनर्जी राम मदेरणा का नाम भूल जाते हैं, चिन्मय आनंद का नाम याद रखते हैं इसलिए दिक्कत होती है, बारा का भूल जाते हैं, हाथरस को याद रखते हैं इसलिए दिक्कत होती है। और बप्पा चटर्जी ने ठीक कहा कि अगर स्टेट एफआईआर लॉज नहीं होगी, लॉज होगी तो उसके सेंट्रल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के लिए उसके आंकड़े नहीं भेजे जाएंगे। इतना गलत ये है कि ए की बात किए जाने पर बी की तरफ इस मुद्दे का जो फुटबॉल बन जाता है और बी से बात करने पर वो ए की तरफ उछाल देता है, ये गलत है, जितना उतना ही ये भी बात सही है कि इसका यही हुआ है, इस मुद्दे का हमेशा फुटबॉल ही बना है और उसमें कभी कुछ कारगर नहीं हुआ है। वरना ऐसा नहीं होता कि उस जो 5 स्टेट 6 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें मध्य प्रदेश भी रिफ्लेक्ट करता, उसमें उत्तर प्रदेश भी रिफ्लेक्ट करता। गौतम लाहड़ी जी, इसमें क्या पश्चिम बंगाल में स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर है? नहीं, अगर आपने जो आंकड़ा का जिक्र किया उस हिसाब से तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल ने, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि बंगाल सरकार ने कोई स्टैटिस्टिक्स भेजा नहीं सेंटर को, लेकिन वो रिपोर्ट में लिखा नहीं है कि Not received, ऐसे कुछ लिखा नहीं होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड 2018 के बाद से इन्होंने आंकड़े नहीं भेजे ये कहा जा रहा है, और ये आंकड़े 2009 से 2019 के बीच के हैं, मतलब एक साल का अगर आप हटा भी देते हैं और 5-6 टॉप स्टेट में उसका नाम नहीं है, जबकि ये भी बड़ा स्टेट है, पॉपुलर स्टेट है, तो ये कामयाबी नहीं है उसकी? नहीं, कामयाबी तो निश्चित माना जाएगा, फिर भी मैं कहूँगा पुराना अपना जो ओरिजिनल इशू है वो इशू मैं बोलते, जो भी हो डॉक्टर का सर्टिफिकेट और जो भी हो, लेकिन उस एरिया में ये मुद्दा रहेगा, ये मुद्दा है, मुद्दा रहेगा। और जो पश्चिम बंगाल का जो आपने जिक्र कर रहा है, जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से निश्चित तौर पे बंगाल में, मैं भी आता हूँ बंगाल से, मैं जानता हूँ वहाँ पे खुलेआम रात तक ठीक है महिला घूम सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के बारे में जिन लोगों ने वहाँ अनुभव किया है वो ये महसूस करते हैं कि वहाँ महिलाओं को लेकर समस्या उतनी बड़ी नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।